हेलो गाइस, माय नेम इज राहुल विश्वकर्मा और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वीएस कोड के टॉप 5 प्लगइन्स जो आपके वीएस कोड में जरूर इंस्टॉल होना चाहिए। सो एज वी नो, वीएस कोड एक ओपन सोर्स कोड एडिटर है और ये बहुत ही पॉपुलर एंड फेमस कोड एडिटर है और इसको और भी पॉपुलर बनाते हैं इसके प्लगइन्स। सो लेट्स सी वीएस कोड के टॉप 5 प्लगइन्स जो आपके वीएस कोड में इंस्टॉल होने चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गिट लेंस, ये प्लगइन बहुत ही यूजफुल है क्योंकि ये प्लगइन आपको गिट हिस्ट्री के बारे में बताता है, कौन सी लाइन को किसने कब मॉडिफाई किया, क्यों मॉडिफाई किया। इस प्लगइन से आप इजीली देख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे रिएक्ट नेविगेशन के ग्रेपो लिया और मैं जाता हूँ सपोज लाइन नंबर 23 पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लाइन को सत्यजीत साहू ने 3 मंथ एगो रिफैक्टर किया है। सो दैट्स वाई दिस प्लगइन वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक इंस्टेंटली द गिट हिस्ट्री। सो गाइस, जो नेक्स्ट प्लगइन है वो है लाइव शेयर। यूजिंग दैट प्लगइन आप अपने पूरे प्रोजेक्ट को किसी के साथ शेयर कर सकते हो, उसको अलाउ कर सकते हो एडिट करने के लिए, डिबग करने के लिए। एंड गाइस, उसको अलग से कोई रेपो क्लोन करने की जरूरत नहीं है, अलग से कोई SDK या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, वो आपके प्रोजेक्ट में डायरेक्टली एडिट एंड डिबग कर सकता है और आप भी रियल टाइम में उसके एडिटिंग और डिबगिंग को देख सकते हो। एंड मोस्टली आप इसको पेयर प्रोग्रामिंग, डिबगिंग एंड कोड रिव्यू के लिए यूज़ कर सकते हो। सो गाइस, जो अगला प्लगइन है वो है ब्रैकेट पेयर कलराइजर। सो यूजिंग दैट प्लगइन यू कैन इजीली आइडेंटिफाई आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट कहाँ पे है। सपोज फॉर एग्जांपल आपने 200 या 300 लाइन का कोड लिखा है, सो उसमें बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है पहचानना कि आपका ओपनिंग ब्रैकेट कौन सा है, क्लोजिंग ब्रैकेट कहाँ पे है। सो इसमें बहुत सारे एरर होने के चांसेस भी हो जाते हैं, तो ये प्लगइन क्या करता है, आपके ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट को हाईलाइट करके दे देता है सेम कलर से, जिससे बहुत ही ईजिली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो आपके ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट को। गाइज, आर नेक्स्ट प्लगइन इज प्रिटियर। सो प्रिटियर एक कोड फॉर्मेटर है जिसके थ्रू आप पूरे अपने प्रोजेक्ट को सेम फॉर्मेटिंग एंड सेम स्टाइलिंग मेंटेन कर सकते हो और इन्फोर्स कर सकते हो अदर डेवलपर्स को भी सेम स्टाइलिंग एंड सेम फॉर्मेटिंग करने के लिए थ्रू द प्रिटियर। और गाइज, इसमें बहुत सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शन भी अवेलेबल है जिसके थ्रू आप अपने हिसाब से अपने कोड को मेंटेन कर सकते हो थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। सो दैट्स वाई दिस प्लगइन शुड बी इंस्टॉल इन योर वीएस कोड। सो गाइस, जो नेक्स्ट प्लगइन है उसका नाम है थंडर क्लाइंट। दिस इज माय वन ऑफ द फेवरेट प्लगइन क्योंकि ये प्लगइन जो है इन फ्यूचर पोस्टमैन को रिप्लेस कर सकता है। सो यूजिंग दैट प्लगइन आप REST API को अपने VS कोड के अंदर ही टेस्ट कर सकते हो। जी हाँ, ऑलमोस्ट सारे फीचर जो पोस्टमैन के हैं वो आपको इसके अंदर मिल जाते हैं और इसमें अलग से आपको पोस्टमैन जैसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है और एवरी टाइम अगर आपको REST API टेस्ट करना है तो नया विंडो ओपन नहीं करना पड़ता है, आप अपने VS कोड के अंदर ही इसको टेस्ट कर सकते हो। So that's why this is my one of the favorite plugin. So guys and girls, ये थे VS Code के top 5 plugins जो आपके अपने VS Code में जरूर try करने चाहिए। So ये video यहीं end करते हैं and just for motivation for me, don't forget to like, share and subscribe.